Realme U2, are you excited? So let's get started. 2019 में Oppo का सब ब्रांड Realme U सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस करने वाला है, जो कि होने वाला है Realme U2 एंड ये होने वाला है Realme U1 का सक्सेसर। एंड सक्सेसर स्मार्टफोन जो होते हैं, इसमें आपको बहुत चीज अपडेट देखने को मिलता है, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको बहुत चीज अपडेट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा Realme U2 के बारे में, बताऊंगा स्मार्टफोन का डिजाइन, प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड इसके अप्रोक्सीमेटली लॉन्चिंग डेट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करूं Realme U2 के डिजाइन के बारे में। डिजाइन जो होने वाला आपको ऐसे मिला Realme U1 जैसा देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड में आपको वाटर डॉप टाइप टाइनिलिटी लॉन्च सेटअप देखने को मिलेगा। नीचे में आपको कोई भी बेजल चेन देखने को नहीं मिलेगा। एंड बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में आपको ग्लास फिनिशिंग देखने को मिलेगा, यानी कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी होने वाला है बहुत ही ज्यादा सॉलिड देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Realme U1। एंड उसके साथ आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एंड एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। एंड Realme का जो ब्रांडिंग होने वाला आपको साइड में Realme का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। एंड इस स्मार्टफोन का दोनों साइड कार्ड देखने को मिलेगा, जिसके वजह से जो इनर फील होगा बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है। तो अब बात करूँ स्मार्टफोन का कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.9 इंच फुल HD प्लस IPS LCD पैनल, जिसके अंदर आपको 16 मिलियन कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 1080x2340 पिक्सल। एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि आपको प्रॉपरली H2S डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसके साथ प्रोटेक्शन की बात करूँ तो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हेवी होने वाला है Realme U2 के ऊपर। प्रोसेसर की बात करते हो, जो कि स्मार्टफोन का मेन कंपोनेंट होता है ना, उसके ऊपर स्पीड एंड सभी कुछ डिपेंड करता है। तो Realme U2 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 710 का प्रोसेसर, जिसके साथ आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा 2.1 GHz। तो स्पीड आपको बहुत ही धमाका देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ GPU की बात करो तो आपको Adreno 660 का GPU देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी गेम को बहुत ही स्मूथली रन कर पाओगे, कोई भी फ्रेम ड्रॉप, कोई भी लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा, इवन आपको कोई भी हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जो स्मार्टफोन होने वाला एंड्रॉइड 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन करेगा। तो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हेवी सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। एंड कस्टमर की बात करो तो आपको देखने को मिलेगा कलर ओएस 5.2 ऑन द टॉप, जो कि प्रोवाइड करेगा बहुत ही स्मूथ एंड क्लीन यूजर एक्सपीरियंस। रैम बैंड की बात करूँ तो इसका जो बेस बैंड होने वाला आपको देखने को मिलेगा 3 GB रैम का बेस बैंड, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा 32 GB का इनबिल्ट स्टोरेज। अदर रैम बैंड की बात करो तो आपको 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज का बैंड देखने को मिलेगा। एंड टॉप बैंड आपको देखने को मिलेगा 6 GB रैम 128 GB का टॉप बैंड आपको देखने को मिलेगा। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है, होने वाला है 48 MP का प्राइमरी सेंसर, जो कि आपको एक्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा Redmi Note 7 Pro जैसा, जो कि यूज करेगा यहाँ पर डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी। तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है बजट सेगमेंट के हिसाब से। एंड सेकेंडरी कैमरा की बात करो तो यानी कि आपको जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा, वो होने वाला है 5 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। तो यहाँ पर जो क्वालिटी होने वाले इमेज का, जो क्वालिटी होने वाला है बहुत ही बेटर आएगा, जहाँ पर नेचुरल कलर एंड नेचुरल ब्यूटी जो होगा बहुत ही परफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ आपको EIS स्टेबिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि प्रोवाइड करेगा इमेज को बहुत ही बेटर स्टेबिलिटी। एंड फ्रंट कैमरे की बात करो तो फ्रंट में आपको नॉच के अंदर देखने को मिलेगा 24 MP का एक मेन सेंसर, जिसके साथ आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड देखने को मिलेगा। तो फ्रंट कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है। एंड उसके साथ आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करूँ तो Realme U2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा 3700 mAh की ह्यूज बैटरी। एंड इसके साथ आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा 0 to 100% चार्ज करने में। हार्डवेयर सिक्योरिटी की बात करूँ तो बैक साइड में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा फास्ट भी होने वाला है। एंड उसके साथ आपको फेस अनलॉक फीचर भी देखने को मिलेगा, जो कि डिपेंड करेगा कैमरा हार्डवेयर के ऊपर, बट ये जो फेस अनलॉक फीचर होगा बहुत ही ज्यादा सिक्योर होने वाला है। तो अब बात करूँ Realme U2 के प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो इसके जो प्राइस होने वाला आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 16,790 rupees। एंड इसका जो लॉन्चिंग डेट है आपको मई के अंदर देखने को मिलेगा। तो यही है Oppo Realme U2 के बारे में कुछ लीक्स एंड रूमर्स। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। आपने इस चैनल में पहली बार आया तो जाकर सब्सक्राइब मारो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। एंड उससे पहले हमने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।